शामली में किसानों द्वारा आयोजित महापंचायत में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। महापंचायत के दौरान जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे यहां पर आने से पहले पता चला कि धारा 144 लगा दी गई है, अनुमति नहीं दी गई है। योगी जी, आपका माथा बहुत बड़ा है, धारा 144 यहां छपवा लो तो फिर भी ना रुके, ना आज ना रुके ना कल रुके, रोक सको तो रोक लो। जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि यूपी में लोकतंत्र नहीं रहा, यहां पर तो गाड़ी बैठा कर गाड़ी पलट देते हैं। और ये गाजीपुर बॉर्डर पर भी चौधरी साहब के साथ वही करना चाहते थे जिसे चौधरी साहब ने रोक दिया। और आप सबकी हिम्मत है कि आज सरकार की आंख खोलने का काम कर रही हो। जयंत चौधरी ने तीन काले कानूनों को बोलते हुए कहा कि तीन काले कानून तो बाद में वापस हो जाएंगे, पहले हमें MSP पर गारंटी दीजिए। गाँव में और टिटोली में, लखनऊ में बाबा बैठे हैं, उन्होंने यहाँ पुलिस भिजवाई और घर घर जाकर यहाँ कुछ अधिकारियों ने बदतमीजी की थी। बताओ बात सही है कि नहीं है? फिर मैंने योगेंद्र जी को कहा, गांव के सुधीर जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे बताई कैसे कैसे हुआ। मैं बात को कहना चाहता हूँ, अगर कोई अधिकारी आके गांव में, यहाँ कई जगह केस भी लगाए गए हैं, ट्रैक्टरों पे जुर्माना भी लगाया गया है, मैं खुले दिल से कहना चाहता हूँ, अगर किसी पुलिस कर्मी को चोट लगती है ऐसी बात नहीं, वे भी हमारे बीच के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, वे चोट भी हम महसूस करते हैं। लेकिन वर्दी की अपनी परंपरा होती है, उनके अपने संस्कार होने चाहिए। वर्दी पहने हर एक अधिकारी को, पुलिस कर्मी को मैं बात कह देना चाहता हूं, अगर वे अपनी अंतरात्मा की बात मानेंगे, सही और गलत की पहचान करेंगे, कोई वर्दी पहनने वाला आदमी कभी किसान पे हाथ नहीं उठा सकता। और आपको चेता देता हूं, ये पंचायत इसलिए बुलाई गई कि आपकी आंखें खुल जाए, जो लोग सरकार के ज्यादा नौकरी निभा रहे हैं वे भी देख लें। अगर आप किसान के साथ अन्याय करोगे, कोई किसान पे उंगली उठाएगा, सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को किसान की हाय लगेगी हाय। ये नौजवान तो दूसरे मूड में आए हैं, ये छोड़ने वाले नहीं किसी को, जिसे कहते हैं ना देसी भाषा में, लत्ते फाड़ देंगे। ये जो गूंज आज आ रही है, इसे बना के रखना है। फिर मुझे कहा गया, जी यहां तो अनुमति नहीं मिली पंचायत करने की, धारा 144। योगी जी, आपका माथा बहुत बड़ा है, 144 यहां छपवा लो, हम तो फिर भी ना रुके, ना आज रुके ना कल रुकेंगे, रोक लो रोक सको तो। और क्यों रुके हैं, हमने क्या गलत कर रहे? ये वो लोग हैं जो बनाना जानते हैं, निर्माण करना जानते हैं, देश को आजादी की लड़ाई में इन्होंने योगदान दिया, देश को बनाने का काम कर रहे हैं, पेट पालने का काम कर रहे हैं। और आज तो तिरंगा भी आपने दिखा दिया, ये भाजपाइयों को तो दूसरा झंडा थामना पड़ेगा, तिरंगा ना बच रहा इनका। ये वो लोग हैं जो जब इन्होंने तिरंगा चलाया था, लड़ाई लड़ी थी, उनके हाथ में तिरंगा नहीं था, वे नहीं फहराते थे। और आज वे लोग आपको कह रहे हैं कि तुम लोग बागी हो गए, तुम्हारे अंदर राष्ट्रीयता नहीं बच रही। ये दलाल, ये झूठे लोग, ये कह रहे किसान आतंकवादी है, इन्हीं की मित्र मंडली के लोग हैं, मुंबई वाले बैठी हैं, कंगना रनौत, उनका तो नाम लेना मुझे पसंद नहीं आ रहा। भाइयों, पहले उनकी फिल्म देखी हो, माफ है, आगे उनकी एक पिक्चर मत देखना तुम, जो तुम्हें आतंकवादी बताती हो। और आपने पता है, ये वही लोग हैं
जो शहनशाह बैठे हैं दिल्ली में उन्हीं की मित्र मंडली है, एक उनके इशारे पे काम हो रहा है सारा। वही भाषा, कोई खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और जवाब किसका दे रहे? कोई अंतर्राष्ट्र में कोई है जो कह रहा है किसानों के साथ बुरा हो रहा है, हम किसान के साथ क्या बुरी बात कह दी, किसको बुरी लगी और क्यों चोट लगी उस बात से? ये सच्चाई है, हमने देखा और आपने देखा है, दिल्ली आपकी, और आपको जाने से रोका जा रहा है, कील लगाई जा रही है, पक्का काम किया जा रहा है वहां के, कभी कोई किसान राजधानी में ना घुस पाए, दुनिया में वह तस्वीर जाएंगी नहीं क्या? और बदनामी किसकी होगी? पूरे देश की बदनामी हो रही है। अगर कोई अंतर्राष्ट्र में बैठा कोई भी व्यक्ति अगर उस पर टिप्पणी करता है, इसमें कोई बुरी लगने वाली बात नहीं है, समझ से परे है। एक तो 18 साल की बच्ची है, बहुत प्रसिद्ध है, स्वीडन की नागरिक है, ग्रेटा थनबर्ग। 15 साल की उम्र में बताता हूं कितने क्रांतिकारी सोच की वो लड़की है, अपने देश के संसद के बाहर बैठ गई थी और दबाव बनाने के लिए आंदोलन रचा 15 साल की उम्र में। 2 बार नोबेल पुरस्कार में वो नामित की गई शख्सियत है बहुत बड़ी। जलवायु परिवर्तन की कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक होती है वहां जाती है और कहती है भविष्य की पीढ़ियों को बचाना है तो इस पर्यावरण को बचाना है। कौन सी गलत बात कर दी उसने? वहां उसने एक ट्वीट किया कि मैं किसान के साथ हूं और सारे लोग जो एक तरफा उस पर चढ़ बैठे, यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने उस पर जो FIR कर दी। और कहां जाके, मैं जानता हूं कानून के लंबे हाथ हों लेकिन कहां जाके पकड़ोगे? बदनामी कर दी सबकी और किसान का अपमान कर रहे रोज। मैं ऐसी बात आपके बीच रखना चाहता हूं पंचायत में जिसकी चर्चा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अहंकार आ गया इनके अंदर। मैं 2 नाम आपके बीच रखना चाहता हूं जो शायद मुख्य धारा के मीडिया ने बताया नहीं, उनकी बात छप नहीं रही, लेकिन जो ये जो लड़के हैं बच्चे हैं हमारे सोशल मीडिया पे जो सक्रिय हैं उन्हें पता है। एक हरियाणा के गुरमुख सिंह हैं, 80 साल के हैं, एक्स आर्मी मैन है, पता नहीं कहां से दिल्ली से उनको उठा के दिल्ली पुलिस ने कैद कर रखा है। 80 साल के बुजुर्ग किसान बन के गए थे, कोई अपराध नहीं किया, किसी पर अन्याय नहीं किया, किसी से कुछ लिया नहीं, कुछ छीना झपटी नहीं करी, किसी के साथ हिंसा नहीं करी। उस 80 साल के बुजुर्ग को क्यों पकड़ा है पुलिस ने? क्यों अमित शाह वहां बैठ के अपने पुलिस से ऐसे लोगों को पकड़वा रहे? क्या साबित होता है? दूसरा नाम जान लो, जीत सिंह जी हैं हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर के गांव के गुरुद्वारे में वे ग्रंथी हैं। भैंसवाल गांव के मैं सबसे पूछना चाहता हूं, गांव पे अगर किसी पे आपत्ति आएगी तो क्या जो भी हो वो ये देखेगा मैं इस पार्टी में वो उस पार्टी में? नहीं, सब एक हो जाओगे। वहां मुख्यमंत्री के गांव से एक व्यक्ति 70 साल के हैं जीत सिंह, लाठियां बजाई उनके ऊपर, बंद है आज, उनकी तस्वीर पूरी देश में जानी चाहिए। यह हम